have I? You all hope you all are doing great in your lives and enjoying your summer holidays too. और जहाँ पर holidays नहीं हुई हैं उन सबने कुछ plan तो कर ही रखा होगा summer holidays को enjoy करने का. तो आज आते हैं हम आज के वीडियो पर. तो this is a video related to the previous one जो कि मेरा था anti-aging cream का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था माई सीक्रेट, माई पर्सनल सीक्रेट ऑफ दैट क्रीम, जिन इन्ग्रीडियंट्स के साथ मैंने वो बनाया था मैंने आपके साथ शेयर किया. बट ऑब्वियसली एवरी लेडी ऑफ फीमेल विल नॉट बी हैविंग दैट मच ऑयल्स एट होम, क्योंकि इट वॉज जस्ट ऑफ वन ऑफ माई हॉबीज टू रीड अबाउट ऑयल्स एंड ऑल दैट, एंड एज अ रिजल्ट आई जस्ट गैदर्ड ऑल दीज ऑयल्स. तो मेरे पास इस तरह से ऑयल्स सारे कलेक्ट हुए बिकॉज आई वॉज सीरियसली इन टू ऑयल्स एट अ टाइम इन माई लाइफ. तो ये जो ऑयल्स का जो भी रिजल्ट है दैट इज़ 100% प्रूवन, दो दे डोंट गिव यू इमीडिएट रिजल्ट्स. ऐसा नहीं है कि आपने आज ऑयल अप्लाई किया है एंड टुमारो यू विल से यार मेरे रिंकल्स तो जा नहीं रही, मुझे कुछ फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एंड इट डू टेक टाइम. तो आपको वो टाइम देना है, उस क्रीम को अप्लाई करना है रिलीजियसली जैसे मैंने बताया है रात के टाइम पर क्लिनसिंग टोनिंग के बाद, एंड इफ़ यू स्किप टोनिंग टू तो भी वो क्रीम बहुत अच्छे से वर्क करने वाली है. यू डोंट इवन नो नीड एनी टोनिंग, जस्ट क्लींस कीजिए और वो क्रीम को लगा लीजिए एंड यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स. तो बात करते हैं कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाई. इस वीडियो में एक्चुअली मैं लेकर आई हूँ आपके साथ 3 टॉप ऑयल्स विच यू कैन यूज़ फॉर योर एंटी एजिंग क्रीम, जो कि आपको ऑलमोस्ट 90% रिजल्ट देगा of that cream. यानी कि इन 3 oils में ही आपका 90% जो benefits है आपकी skin को मिल जाएगा. तो it is not bad to have just 3 oils giving you all those benefits for your skin renewal and skin problems. तो देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से oils हैं. तो सबसे पहले जो मैं oil आपके साथ share करना चाहूँगी, इसको मैं कहूँगी मस्ट बाय. अगर आप start कर रहे हैं oils अपने पास collect करना तो सबसे पहला oil अगर आप कोई रखें तो होमोबा ऑयल रखें, क्योंकि ये एक ऐसा ऑयल है जो डेफिनेटली किसी भी स्किन टाइप को कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा. ये इतना लाइट वेट है कि आप इसको अकेले भी यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन के ऊपर. जस्ट टेक 2 or 3 ड्रॉप्स एंड यू कैन अप्लाई इट डायरेक्टली ऑन योर फेस. और ये इतना लाइट वेट होने के कारण आपकी स्किन में कभी भी पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा एंड विल डेफिनेटली नॉट गिव यू एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्किन. ये कह सकते हैं कि ऑल इन ऑल ऑयल है, जस्ट फिल्ड विद बेनिफिट्स. इसमें आपको कोई भी साइड इफेक्ट या फिर कुछ नहीं मिलेगा. दैट इज़ होबा ऑयल एंड सम डू कॉल इट एज जोजोबा ऑयल, जो जैसा भी आप पसंद करें इसे बोलना, बट आई कॉल इट एज होबा ऑयल. सो इट इज़ द नंबर 1 ऑयल. होबा ऑयल एक्चुअली कैसे वर्क करता है, इट हैज़ अ ह्यूमेक्टेंट नेचर. ह्यूमेक्टेंट नेचर मतलब कह सकते हैं कि ह्यूमेक्टेंट प्रॉपर्टीज़ उसे कहा जाता है जो हमारे स्किन के मॉइस्चर को लॉक कर देता है. यानी कि आप क्रीम्स तो बहुत सारी अप्लाई कर लेती हैं बट आप देखेंगे जैसे हम कहते हैं कि हाँ यार हमने क्रीम अप्लाई की, वी वर फीलिंग स्टिकी एट दैट टाइम, बट लेटर इट गिव्स अ मैट इफेक्ट. वो क्या होता है कि जो हमारे स्किन में जितनी एब्जॉर्प्शन होनी थी वो हो चुकी एंड दैट कि वो वैनिश हो चुका एंड इट्स ऑल. लेकिन ये जो ऑयल है ये हमारे स्किन का जो भी मॉइस्चर है उसको लॉक कर देता है. दस हमारे स्किन को जो प्रॉपर मॉइस्चर चाहिए होता है उसको जब ये लॉक करता है तो ऑब्वियसली हमारा एंटी रिंकल एज अ एंटी एजिंग ये ऑयल काम करता है. तो इसकी जो ह्यूमेक्टेंट वाली प्रॉपर्टीज़ है दैट इज़ द बेसिक की वाई इट इज़ यूज इन एंटी एजिंग. यानी कि आपके स्किन को मॉइस्चर देने का, मॉइस्चर को लॉक करने का, देने का तो है, देने के लिए आपको और भी ऑयल्स मिल जाएंगे, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये वो विटामिन, अमीनो एसिड्स, बहुत सी चीज़ों में मिल जाता है. बट उस चीज़ को लॉक करने के लिए कौन सी चीज़, कौन सा ऑयल उसको लॉक करके रखता है, दैट इज़ दिस ऑयल. और सबसे बड़ी बात, आप इस ऑयल को अकेले यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए आपको किसी करियर ऑयल की ज़रूरत नहीं है कि आपको इसको किसी में मिक्स करना पड़ेगा फिर ही आप यूज़ कर सकते हैं. ऐसा इस ऑयल के साथ कोई भी चक्कर नहीं है. सो दैट्स वाई आई एम रिकमेंडिंग दिस ऑयल एट फर्स्ट. उसके बाद आ जाता है हमारे पास सैंडलवुड ऑयल. अब सैंडलवुड ऑयल जो है बहुत चीज़ों के लिए बहुत टाइम से और कई चीज़ों में प्रूवन है कि इट हैज़ प्रूव्ड
एंड येस इट डज गिव मिराकुलस रिजल्ट्स. आपके पिगमेंटेशन है, एक्जिमा है, स्किन एलर्जी है, प्रॉब्लम है, कुछ भी है, इट दिस ऑयल वर्क वंडर्स. बहुत अच्छी टैनिंग हो रखी है या फिर डिसकलरेशन है कहीं पर, जैसे कई जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि माउथ एरिया डार्क है या अंडर आई एरिया डार्क है या फिर कहीं पे भी डिसकलरेशन, कहीं पे कुछ कलर दिखता है, कहीं पे कुछ कलर दिखता है. तो फॉर दैट पर्पस दिस ऑयल इज़ अ मिरेकल ऑयल. तो सेकंड ऑयल जो सैंडलवुड ऑयल है वो हमारी आ गया पिगमेंटेशन, डिसकलरेशन, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए. सो इट इज़ द सेकेंड ऑयल विच विल ऑब्वियसली प्रिवेंट अस फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, पिगमेंटेशन, डिसकलरेशन और टोनिंग योर कलर. आपका कलर जो है दैट विल नॉट, यू विल नॉट गेट अ फेयरर कलर बट अ टोन्ड कलर. आपका इवन स्किन टोन आपको मिलेगा, इट विल टोन योर स्किन कलर. और जो हमारा थर्ड ऑयल है दैट इज जिरेनियम ऑयल. जो जिरेनियम एसेंशियल ऑयल है ये क्या काम करता है, इट गिव्स यू मॉइस्चर, लोड्स ऑफ मॉइस्चर. और जो इसका मेन काम है दैट इज़ टू टोन, यानी कि हमारे स्किन सेल्स को टाइट करता है. टोन जिसको कहते हैं हम, टोन करना मतलब कि टोन्ड अप है, मतलब अप इन द शेप है, इस ऑयल का वो काम है करना. यानी कि हमारी जो नर्व्स हैं, सेल्स हैं, उनको सारों को टोन अप करता है ये ऑयल. जो जिरेनियम ऑयल है, अगर तो आप कुछ नोन है, आप जिम जाते हैं या फिर वर्कआउट करती हैं, तो फिर डेफिनेटली आप अगर कभी भी मार्केट से कोई भी मसल टोनर ऑयल परचेज करते हैं, इट विल डेफिनेटली कंटेन जिरेनियम ऑयल. क्योंकि जो जिरेनियम है इट हैज़ द प्रॉपर्टीज़ टू टोन योर मसल्स. तो अगर आप सोचिए ये बॉडी की कोई भी मसल को टोन कर सकता है, तो वाई विल नॉट इट टोन आवर फेस मसल्स. तो यानी कि हमारे फेस की सेल्स को टोन अप करने में और हमारे रिंकल्स को रिड्यूस करने में ये काम करता है मिरेकुलसली. तो हमारे पास तीन ऑयल्स आ गए. फर्स्ट होबा ऑयल आ जाता है जो कि अच्छे से हमें मॉइस्चर देता है और उस मॉइस्चर को लॉक करके रखता है. हम चाहे कोई भी क्रीम यूज़ कर रहे हैं, इफ़ यू आर अप्लाइंग दिस ऑयल अकेले लगा रहे हैं या क्रीम में मिक्स करके लगा रहे हैं, तो उस क्रीम के मॉइस्चर को ये लॉक करके रखेगा. दूसरा आता है सैंडलवुड ऑयल, जो हमारी पिगमेंटेशन, डिसकलरेशन, टोनिंग, जो भी हमारा फेस पे एक्जिमा, एलर्जी, कुछ भी ऐसा हुआ उस सब से हमें बचाता है. एंड द लास्ट वन जिरेनियम ऑयल, वो हमारे एज अ एंटी रिंकल काम करता है, हमारी स्किन को अपलिफ्ट करता है, एक टाइटन इफेक्ट देता है, एक टोन्ड इफेक्ट देता है, दस सेविंग अस फ्रॉम रिंकल्स एंड फाइन लाइन्स. तो ये तीन तेल हैं, ऑयल्स हैं, जो आपकी स्किन पर वंडरली काम करेंगे, विल वर्क मैजिक ऑन योर स्किन. जस्ट वही आपने काम करना है, थोड़ा सा कोई भी लाइट मॉइस्चराइज़र ले लेना है और एलोवेरा जेल. अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लेना चाहते, टेक ओनली एलोवेरा जेल. इन सब की एक एक ड्रॉप डाल दीजिए, 1 to 2 drops डाल लीजिए तो, और मिक्स कीजिए और एन्जॉय द वंडर्स ऑफ योर क्रीम योर सेल्फ. आप इन तीन ऑयल्स का मैजिक डेफिनेटली नोटिस करेंगे विद इन 1 week ऑफ यूज एंड इवन 4 days. अगर आप इस क्रीम को डायरेक्टली अपने फेस पर लगाने से डर रही हैं, दो जितने भी ऑयल्स हैं ये सारे एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल्स मैंने यूज़ किए हैं. एंड हाँ, आप कभी भी ऑयल्स परचेज करते हैं, ट्राई टू बाय द बेस्ट क्वालिटी एक्स्ट्रा वर्जन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, ताकि आप अपनी स्किन के लिए खुद सेफ प्ले करें. क्योंकि आप ये सब चीज़ें अपनी स्किन पे अप्लाई करने वाली हैं, ऑब्वियसली ये चीज़ें नेचुरल और कोल्ड प्रेस्ड होनी चाहिए ताकि आपको कोई हार्म ना पहुँचे, सिर्फ आपको बेनिफिट्स मिले. तो ये क्रीम अगर आप नहीं लगाना चाहती, फर्स्ट आप नहीं अप्लाई करना चाहती फेस पे, यू जस्ट टेक अ टेस्ट. थोड़ी सी क्रीम लीजिए, अपने यहाँ पे बांध लीजिए, लगा लीजिए क्रीम एंड अप्लाई ए बैंडेज ऑन दैट. एक पतली सी पट्टी बांध लीजिए रात को, या कपड़ा या हैंकी, कुछ भी, ओपन इट नेक्स्ट मॉर्निंग एंड यू विल सी द डिफरेंस. आप उस स्किन पर डिफरेंस देख सकेंगी बाकी स्किन के कंपैरिजन में. एंड दिस इज़ हाउ यू कैन टेस्ट एनी ऑफ द प्रोडक्ट. कोई नया प्रोडक्ट आप जब भी अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहते हैं एंड यू आर नॉट श्योर कि ये प्रोडक्ट हमें कोई इरिटेशन तो नहीं देगा, दो आई एम टॉकिंग
about not natural things are present, लेकिन कभी ना कभी हम artificial creams या market creams जैसे भी लेते हैं और apply करते हैं, we do have a doubt कि यार उसको मुंह पर लगा लें कुछ होगा तो नहीं. तो for checking that, the best way is to apply the cream on your wrist or wherever you like, जहाँ पे आप बांध सकें उसको, and leave it for whole night या फिर minimum of 4 hours. और अगर 4 घंटे वो बैंडेज खोलने के बाद आपको लगता है कि वहाँ पर कोई भी रेडनेस, रैशनेस या कोई इरिटेशन नहीं है, तो दैट मार्केट थिंक इज़ परफेक्ट फॉर यू. वैसे इस क्रीम के लिए ये ट्राई करने की नीड नहीं है, बट स्टिल अगर आप बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर रही हैं मेरे पे, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर टेस्ट एंड आई कैन अश्योर यू यू विल कम आउट विद 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ दिस क्रीम. सो दिस वॉज ऑल for the latest effort I have made for you, so that आपकी जो oils quantity कम करके एक affordable way में मैं आपके साथ एक anti-aging cream provide कर सकूँ. Thanks for giving your time and watching this video. Don't forget to like, subscribe, share and comment this video. See you soon. Take care. Bye bye. Stay blessed.